सिंध हूअं त पंहिंजे फ़न सकाफ़त तहज़ीब ऐं तमंदुनि जे करे ॾेहां ॾेह मशहूरु रही आहे। पर उन सबाजड़ी सिंध जी सुञाणप जो हिकु हवालो इल्म ऐं अदब बि रहियो आहे। दुनिया में अञा जॾहिं इल्मु आम कोन थियो हो, तॾहिं बि सिंध जा माण्हू मकतबनि में वेही इल्म जी उञ उझाईंदा हुआ। हाणे जॾहिं दुनिया तरक़ी जूं मंज़िलूं तय करे नित नवनि इल्मनि जी सिख्या जा दर खोले छॾिया आहिनि, हुते ई सिंध बि उन जदीद इल्म जे हुसूल में कंहिंखां पोइ ते नाहे रही। ज़रात ऐं बाग़बानी सां लाॻापियल शोभा बि जदीद इल्म जा सदाई घुर्जाऊ पे रहिया आहिनि। उन करे सिंध में अहिड़नि इल्मनि जी हासिलात ऐं खोजना लाइ सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी जो क़याम अमल में आंदो वियो, जिते हाणे सालियानो 8000 खां वधीक शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं दाख़िल थी ज़रात ऐं उन सां लाॻापियल शोभनि जो इल्मु हासिलु कनि था। ज़रई यूनिवर्सिटी सिंध जे इल्मी अदबी ऐं सकाफ़ती शहर हैदराबाद खां थोरे ई मुफ़ासिले ते वाक़िए टंडे जाम शहर भरिसां क़ाइमु थियल आहे। टंडो जाम ज़रई लिहाज़ सां सिंध जो बिन ज़रखेज़ परगणो आहे। हिन शहर में पहुची जॾहिं सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी जो जाइज़ो वठिबो आहे, तॾहिं हिन माग में फितरत जा हसीन रंग ॾिसी माण्हू जी पंहिंजी दिलि बि बाग़ो बहार थियो पवे। सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी जो बुनियाद 1977 ईस्वी धारे विधो वियो। इहो ज़मानो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जी साहिबी जो ज़मानो हो। सिंध में ज़रई यूनिवर्सिटी जे क़याम लाइ उन वक़्त जे शागिर्दनि हिकु असराइती हलचल बि हलाई, जेका कामयाबु थी ऐं नेठि पाकिस्तान जी वफ़ाक़ी सरकार टंडे जाम में ज़रई यूनिवर्सिटी क़ाइमु करण जो ऐलान कयो। सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी टंडे जाम जे क़याम जो पस मंज़र अजीब ऐं दिलचस्प आहे। थियो ईअं हो जो अंग्रेज़ सरकार जे दौर में सिंध अंदरि ॾुकार हाञा कया हुआ। ॾुकार जी सूरतहाल खे ॾिसी अंग्रेज़ सरकार 1904 ईस्वी धारे मीरपुर ख़ास में एग्रीकल्चर रिसर्च सेल क़ाइमु कयो। उन दौर में फैसलाबाद समेत नंढे खंड में मजमूई तौर एक ई ज़रई तहक़ीक़ जा सेंटर क़ाइमु कया विया। उन दौर
दौरान फैसलाबाद में फीडिंग चैनल और मीरपुर खास में जुमड़ाऊ कैनाल खोटाए ज़रात के हथी वठाने की कोशिश कई वही। बाद में 1932 ईस्वी धारे सखर बैराज जो क्याम बमल में आंदो वो पोए जी जी बैराज में कैनालन की खोटाई करे ज़रात बागबानी के औज दियण की कोशिश कई वही तीय तीय ज़रात के तहकीक के इदारन के भी हथी वठराई वही। उन्हीं सिलसिले तहत अंग्रेज सरकार मीरपुर खास के ज़रई तहकीकी सेल के अपग्रेड करे सकरन में ज़रई इंस्टीट्यूट कायम कयो जैके किंग जॉर्ज पंजू इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के नाले से सद्यो वो। यो 1938 ईस्वी जो जमानो हो। उन इदारे के ज़रात खाते के मातहत बनाया वो। उन्नीस सौ पंजवंजा ईस्वी में जैं कोटड़ी बैराज जो क्याम अमल में आयो तरह टंडेजाम शहर के ज़रई तहकीक जो मरकज बनाए उते एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया वो। उन्नीस सौ 1964 ईस्वी दारे ज़रई कॉलेज के तहकीकी शोबे के जुदा करे ज़रई कॉलेज के सिंध यूनिवर्सिटी के मातह बनाए ज़रई तालीम के आम करण की कोशिश कई वही। जै जमाने में ज़रई कॉलेज टंडोजाम सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी में तब्दील थो तरह उन रुगो ब फैकल्टियों कायम थी। ये फैकल्टियों एग्रीकल्चर एनिमल साइंसिस के नाले से सुत हुए। हाँ जै सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी 46 साल जो एक डिघो अरसो गुजारे अची जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में पहुंती है तरह उन यूनिवर्सिटी के फैकल्टियन जो अंग भी वधी 5 फैकल्टियन 42 मुख्तलिफ शोबन ते पहुंतो है। फैकल्टियन में फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ए फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस शामिल हैं। उनका सवाए इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाले से ब इंस्टीट्यूट भी यूनिवर्सिटी में कायम किया वह जैं जेडे भुट्टो एग्रीकल्चर कॉलेज डोकरी खैरपुर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज भी ज़रई यूनिवर्सिटी से सलाड़ियल। ज़रई यूनिवर्सिटी जो उमरकोट में कैंपस बिजन की पैदावार बेहतरी जो एक सेंटर भी कायम थी चुका है जिते बिजन के नित नयन जिन्सन ते तहकीक हलंदड़ है। सिंध
ज़रई यूनिवर्सिटी टंडे जाम के 600 एकड़ की ज़रई ज़मीन भी हवाले कई वही। उन ज़मीन में 300 एकड़ बाग पोखल 300 एकड़ कणक वोण बिया फसल पोखिया वन था। बिजन से गड बागन के जिन्सन पैदावार उन बागन के बीमारियों का बचा लाए भी तहकीक कई वजे थी। सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी टंडे जाम के सालानो 1.83 अरब रुपये की इमदाद दिनी वे थी। उन इमदाद में 86.80 करोड़ रुपया सिंध सरकार 97 करोड़ रुपया वफाकी सरकार अदा करे थी। यूनिवर्सिटी के पघारन पेंशन बेन खर्चन की मद में 2.5 अरब रुपया खर्च करना पवन था। ज़रई यूनिवर्सिटी टंडे जाम में नवा डिग्री प्रोग्राम भी मुतारिफ कराया वया हैं। इन नवन प्रोग्रामन में पोल्ट्री एंड हस्बेंड्री, फिशरीज, डेयरी टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, अंग्रेजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जा शोबा शामिल हैं। दिठो वे तो हर शोबे में जदीद इल्म वक्त की अहम जरूरत बनल है। सिंध छाकाण तो ज़रई परगणे तौर सुती वे थी। उन करे हिन परगणे की ज़रात, बागबानी, फिशरीज और चौपाए माल की पालना ते अन्या भी वधीक ध्यान दियण की अशद जरूरत है। सत्तरवारे दहाके में जै टंडे जाम में ज़रई यूनिवर्सिटी जो क्याम अमल में आंदो वे हो तद मुल्क की आबादी 6.5 करोड़ हुई। हाँ वह आबादी बढ़ी 23 करोड़ मानन ते पहुंची है। आबादी के वधण और ज़मीन के घटजन के करे हर मुल्क फूड सिक्योरिटी जो शिकार थी रो है। अड़ी सूरत हाल में उहे ज़रई यूनिवर्सिटियों ही आहिन जेके ज़रई तहकीक के बुनियाद बनाए वधीक ज़रई उपत हासिल करण के इल्म के उजागर कन थियो। सूरत हाल में नरगो ज़रात पर माल की पालना के इल्म में भी इजाफे की ज़रूरत है तो जी खाद खुराक की खोट के खदशन के मुंह दई सके।
ज़रई यूनिवर्सिटी टंडोजाम खालिस ज़रात उन लागापियल शोबन के इल्म के फैलाव तहकीक जो मादर इल्मी इदारो है। इन यूनिवर्सिटी में इल्म दींदड़ तहकीक कंदड़ इल्म हासिल कंदड़ मानन ते वड़ियों जिम्मेवारियों आयद थियन थियूं तो हु नरगो पंहिंजे वतन जे मानन के नित नई जान ॾेई संदन रहनुमाई कन पर उन इल्म जे फैलाव में भी असरायतो किरदार अदा कन त जी इहो इल्म बियन ज़रई मुल्कन लाइ भी लाभायतो साबित थी सघे। ज़रात के हथी ॾियण खां सवाइ को बि ज़रई मुल्क हरगिज़ तरक़ी जी राह ते गामज़न नथो थी सघे। सिंधी ज़रात बाग़बानी ऐं चौपाए माल जी पालना अनेक सबबनि जे करे रोज़ बि रोज़ सिंध माण्हुनि लाइ अहंजनि ऐं अज़ाबनि जो बाहिस बणिजी रही आहे। ज़रात सां लाॻापियल माण्हुनि जूं आसवंद अखियूं अहिड़नि ई इदारनि ॾांहुं निहारीनि थियूं। हुन करे इन्हनि इदारनि खे पंहिंजी साख में अञा बि वेसाह वधाइण लाइ राति ॾींहुं जाखोड़ करणु घुरिजे त जीअं ईंदड़ ॾुखे वक़्त में सिंधवासी जदीद इल्म जे आधार उन्हनि मुश्किलातुनि जो मुक़ाबिलो करण जी सघ हासिलु करे सघनि।